अच्छा, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कंबाइन एमसीक्यूज हैं। इनकी हम डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है कि द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन इन मोस्टली ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ, सो यू नो दैट कि हर प्रोटीन में क्या डिफरेंट होता है, आर ग्रुप का डिफरेंट होता है। सो इस वजह से फिर डाइवर्सिटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन है ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं और आर ग्रुप उनका चेंज होता है, तो कई बड़े बड़े डिफरेंट प्रोटीन हमारे पास बनाते हैं। द यूनिट ऑफ टर्पिनाइड, सो टर्पिनाइड का हमारे पास क्या यूनिट है, आइसोप्रिनाइड यूनिट। सीलिया एंड फ्लैजिला कंटेन डैश माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया के एमसीक्यूज है कि सीलिया एंड फ्लैजिला कंटेन डैश माइक्रोट्यूब्यूल। सो सीलिया और फ्लैजिले में हमारे पास 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ना, 9 टूबलेट होते हैं हमारे पास, 9 × 2 = 18 और बीच में दो होते हैं, सो 20 20 हमारे पास हो गए ना, दो दो होते हैं वो हमारे पास 9 होते हैं ना, और बीच में भी सेंट्रल डुप्लेट भी तो होता है हमारे पास, ठीक है। सो 9 × 2 = 18 और जमा 2 = 20, सो 20 ऑप्शन हमारे पास कोरेक्ट है। नेक्स्ट है कि द सिस्टम ने टुगेदर विद बेसिकल, इसको हम गाल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास कि इंडिया ने स्पायरल स्टेयर केस वुड अराउंड द किसका होता है, अराउंड सेंट्रल एक्सिस के अराउंड हमारे पास होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन चिंपैंजी, चिंपैंजी में हमारे पास 48 क्रोमोसोम हैं। द गेमेटोफाइट ऑफ उल्वा, सो वी नो दैट गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। द थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल, वो प्राइमरी वॉल की थिकनेस हमारे पास कितनी है, 1 μm है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर मोनोसेक्राइड आर नेम्ड विच एंड विद, मोनोसेक्राइड का नेम किस पे एंड करते हैं, ओज पे हमारे पास, जैसे ट्राईओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ठीक है। सम कोफैक्टर आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सो दैट आर को एंजाइम हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, प्रोटीन एक्सटेंडिंग इन डबल बायलायर ऑफ लिपिड कम्प्लीटली, सो दैट आर इंट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास हैं। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो मेन फंक्शन हमारे पास इसका क्या है, लिपिड सिंथेसिस है हमारे पास, ठीक है। सेल वॉल फेल टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट फूड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन इट बिकॉज इट डज नॉट प्रोसेस, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास SIR का फंक्शन है, तो जब SIR नहीं होगा सो वो हमारे पास भी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कीटो हेक्सोज, सो कीटो हेप्टोज 7 carbon, सो दैट इज सीडो हेप्टुलोज है हमारे पास, ठीक है। सो ए ऑप्शन ही हमारे पास कोरेक्ट है। कोड इज सीक्वेंस ऑफ 3 nitrogenous बेस एलॉन्ग विद शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड। सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल एंड मिडल लेमिला आर, सो सेकेंडरी सेल वॉल पहले इन साइड होता है, फिर प्राइमरी और फिर मिडल, सो ये हमारे पास फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड हमारे पास कोरेक्ट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट द लिपिड, सो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। टाइप ऑफ अमीनो एसिड, सो कितने हमारे पास, 20 टाइप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड हैज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स, सो ये तो फिर हमारे पास फिजिक्स का आ गया, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये तीनों तो फिर फंडामेंटल में है, वेट हमारे पास फंडामेंटल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम अपने बायो में चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो मेन फंक्शन इसका हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन, सो दे हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ग्लाइक्सोसोम आर प्लास्टिड आर यूनिक ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट्स ओनली। द यूनिट ऑफ गाल्जी अपैरेटस, डिक्टियोसोम हमारे पास इसका यूनिट है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट डन बाय ग्लाइक्सोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन, ये तो आना चाहिए हमें, 46। साइज ऑफ राइबोसोम इन प्रोक्रियाटिक में हमारे पास 70S होता है। साइज ऑफ राइबोसोम इन यूक्रियाटिक में हमारे पास 80S होता है, ठीक है। लेकिन वी नो दैट कि उस साइज ऑफ राइबोसोम इन यूक्रियाटिक सेल में हमारे पास माइटोकांड्रिया भी होते हैं, हमारे यूक्रियाटिक सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और उनमें हमारे पास कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होते हैं। सो बोथ ऑफ दीज हमारे पास कुरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यूक्रियाटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70S भी हमारे पास हो सकता है, 80S भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम चलते हैं कि ईच सेंट्रियोल कंजिस्ट ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल, सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल
9888 या 727 माइक्रोटिब्यूल भी हम इसको कह सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इन पिजन 80 हमारे पास होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ माल्टोज, सो माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज की कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। एंटी कोडान ऑफ यू ए जी, यू के साथ हमारे पास कौन अटैच होगा, यू के साथ हमारे पास ए अटैच होगा, ठीक है। ए के साथ कौन अटैच होगा, यू, जी के साथ कौन अटैच होगा, सी। सो ए यू सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सो प्लांट में हमारे पास कौन कौन से स्टार्च एंड सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन फॉर्म, सो दे फॉर्म कोएंजाइम हमारे पास। वैक्सीज कंटेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं वैक्सीज में हमारे पास, ठीक है। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड बाय, सो दे अटैच्ड बाय मैग्नीशियम आयनो। चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है तो सिस्टर नहीं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो दोनों हमारे पास सिस्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एटीपी प्लस H2O एडीपी प्लस गिव डैश एनर्जी, सो ये हमारे पास 7.0 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे पास देता है। द प्लेस वी स्पिंडल फाइबर आर अटैच, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, ठीक है। अच्छा हमारे पास कभी ये पूछ लेते हैं ये लोग के माइटोकांड्रिया में हमारे पास की माइटोकांड्रिया की कौन कौन सी शक्ल हो सकती है ना। सो माइटोकांड्रिया हमारे पास जो है ना वो राड्स में भी हो सकते हैं, वेसिकल्स में भी हो सकते हैं, फिलामेंट में भी हो सकते हैं। सो ये आल ऑफ दीज इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। कभी कभार अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में आ जाता है, हमने पहले भी कि अनसैचुरेटेड हमारे पास प्लांट में होते हैं, सैचुरेटेड हमारे पास एनिमल में होते हैं। माइटोकांड्रिया में वो एलिमेंट्री F1 F0 पार्टिकल के बारे में ये भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास MCQs है कि साइटोसोल इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन, कौन सा हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आ रहा है। सो वी नो दैट के एग एल्बोमिन इंजाइम और ऑल ऑफ दीज हमारे पास ये सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि फासिपरेशन ऑफ कंपाउंड मिक्सचर, मिक्सचर की बात की है, सो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटो ग्लूकोज होगा, ठीक है। सो कीटो ग्लूकोज का तो नहीं हम कह सकते, कीटो हेक्सोज या कीटो पेंटोज। सो अगर ये पता नहीं इसने क्या लिखा हो, ठीक है। अगर कीटो टेट्रोस पूछ ले तो वो इरेथ्रोलोज होते हैं, कीटो हेप्टोज पूछ ले तो ये होता है, कीटो कीटो हेक्सोज पूछ ले तो वो फ्रक्टोज होता है, और कीटो पेंटोज पूछ ले तो वो हमारे पास फिर राइबुलोज होता है, ठीक है। अच्छा लाइसोसोम कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम हाइड्रोलाइज हमारे पास इसमें होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइज ये तो दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट मैग्नीशियम राइबोसोम के लिए हम यूज करते हैं। सरप्लस एमाइनो एसिड हमारे पास कहाँ पे होते हैं, लीवर में हमारे पास ये ब्रोकन डाउन होते हैं इनकी, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज, सो ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज कम्बिनेशन में हमारे पास लैक्टोज देते हैं। माइटोसिस इज मिसिंग इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाइनरी फ्यूजन होती है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ कितने पॉलीपेप्टाइड चेन, टू पॉलीपेप्टाइड चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ब्रांच स्ट्रक्चर, किसका हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। सो वी नो दैट किसका हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोजन, मच मोर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है हमारे पास, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में हमारे पास होते हैं, ठीक है। अच्छा इफ ग्लूकोज एनर्जी आर लो स्टोर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल फैटी एसिड बाय अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज लाइपोलाइसिस, इसकी थोड़ पोड़ होती है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन फैटी एसिड, सो मेनली हमारे पास 16-18 कार्बन होते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन सिंथेसिस डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सो ये हमारे पास किसका फंक्शन है, इट ऑल द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1959, फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये तो फिर वही हम इसी क्यों हैं। इन लीव ऑफ प्लांट फोटोरिस्पिरेशन आकर इन पेरोक्सिसोम में हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लैक्टोज आर फाउंड इन, सो लैक्टोज वी नो दैट फाउंड इन हमारे पास मिल्क, एल है ना, मिल्क में भी एल आ रहा है। सो नेक्स्ट इंडियन ए द बॉन्ड साइटोसिन एंड गवानिन इज, सो साइटोसिन और गवानिन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा लिकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, लिकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस पार्ट में होते हैं, ठीक है।
अच्छा, एडेनिन आर लिंक्ड विद पेंटोज शुगर फॉर्मिंग फॉर्मिंग पेंटोज शुगर एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर। एडेनिन जब हम पेंटोज शुगर के साथ सिर्फ अटैच होता है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ और एमसीक्यूज थे जो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस नहीं हुए, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया माइटोकांड्रिया था हमारे पास, ठीक है, कि माइटोकांड्रिया कौन से स्ट्रक्चर में हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, फिर ये स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर माइटोकांड्रिया में है ना, वो हमारे पास किस में आ सकते हैं, स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम F1 या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है। सो स्टीराइड में हमारे पास कितने फ्यूज रिंग होते हैं, 4 फ्यूज रिंग होते हैं, और कितने कार्बन उसमें होते हैं, 17 कार्बन होते हैं, ये भी एमसीक्यूज हैं। टू लायर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली, ये हमारे पास गोर्टर एंड ग्रिंडल ने ये हमारे पास दिया था। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसमें हमारे पास ग्लेक्सो में कौन कौन से एंजाइम हमारे पास होते हैं, कैटालेज होता है उसमें, ग्लाइकोलिक एसिडेज होता है, यूरिएज होता है हमारे पास। ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन में हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा और साथ में हमारे पास प्रोटीन होगा। फ्लैजिला में कितने हमारे पास, पेरेमीशियम में कितने फ्लैजिला होते हैं, फ्यू थाउजेंड हमारे पास होते हैं। अनब्रांच स्ट्रक्चर सेल्यूलोज हमारे पास अनब्रांच में आ जाते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटीन 2 टाइप है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। और साइटोप्लाज्म में स्मॉल एन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एनिमल में पेरेक्सिसोम लीवर और किडनी में ज़्यादातर होते हैं। ठीक है। और एक और था कि फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास कौन से, सो मायोसिन हो गया, कैरोटीन हमारे पास हो गया, कोलाजन, ये सारे हमारे पास फाइब्रस में आते हैं। ठीक है। बाकी जितने थे उनकी हमने डिस्कशन कर ली। सो यहाँ तक हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। ओके, अच्छा, चलो अल्लाह हाफिज़।